हाय फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज रायता। वेज रायता आप जैसे मेयोनीज यूज करके सैंडविच बनाते हैं, उसी तरह से ये रायता को यूज करके सैंडविच बना सकते हैं, या फिर बिरयानी जैसे नॉन वेज डिशेज के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ईजी एंड सिंपल बनती है और बहुत ही यम्मी है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, वेज रायता बनाने के लिए हमें चाहिए दही। मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। हरी मिर्च हमें 3-4 हरी मिर्च लेनी है। आप अगर तीखा ज्यादा खाते तो और 1-2 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। और हम लेंगे कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता। धनिया पत्ता हमें कुछ 1/2 कप तक लेनी है। और हम लेंगे जीरा धनिया पाउडर। ये मैंने जीरा और धनिया को थोड़ी सी रोस्ट करके पाउडर बना के रखा हुआ है। 1/2 टीस्पून हम जीरा धनिया पाउडर लेंगे और नमक लेंगे, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार से, और थोड़े से ग्रेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कैरेट्स यानी कि गाजर, और फाइन चॉप किया हुआ अनियन, 1 छोटी अनियन लेनी है और फाइन चॉप कर देनी है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में दही डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये होममेड दही है। आपको अगर होममेड दही की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसकी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और इसमें हम अभी अपना वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं और कुकुम्बर भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट भी डाल देंगे और ये अनियंस भी डाल देंगे। ग्रीन चिल्ली ये भी डाल देते हैं। फ्रेंड, जब भी कुछ तीखा खाना खाए तब ऐसे मन करता है कि थोड़ी सी रायता हो जाता तो मजा आ जाता। तो फ्रेंड्स, आज वही हम बनाने जा रहे हैं। ये कोरिएंडर लीव्स भी डाल देते हैं। सॉल्ट डाल लेंगे, 1 टीस्पून से भी कम सॉल्ट मैंने ली हुई हूँ। आप अगर सॉल्ट ज्यादा खाते हो तो थोड़ी सी और ऐड कर सकते हो, 1 टीस्पून ऐड कर सकते हो। सॉल्ट हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देनी चाहिए। 1/2 टीस्पून हम जीरा धनिया पाउडर डालेंगे और ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अगर रेड चिली पाउडर डालना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही यहाँ पे। ग्रीन चिल्ली दही के साथ जो मजा आता है, रेड चिल्ली डालने में वो नहीं आती है। देखिए, ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मिक्स हो गया है, हमारी रायता ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हम एक बाउल में इसको निकालेंगे। देखिए, इतनी ही थिक होनी चाहिए, होममेड दही हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप बाहर से भी दही ले सकते हो। और कभी ये रायता आप सैंडविच जैसे बना के भी ब्रेड में इसको बीच में मिडिल पार्ट में लगा के सैंडविच बना के बच्चों को टिफिन में सर्व कर सकते हो, या फिर आप इसे जैसे कि कोई स्पाइसी खाना खाते, हम बिरयानी बनाते उसके साथ भी साथ में सर्व कर सकते हो, खाने के साथ में रायता के रूप में इसको सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ठंडा और सेहत के लिए भी अच्छा होता है और झटपट बनती है और स्वादिष्ट भी है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। देखिए, मैं ये बाउल में निकाल रही हूँ। इसके ऊपर हम
हमारे जो जीरा धनिया पाउडर हमने लिए हुए थे वो टॉपिंग करेंगे इस तरह से। और धनिया पत्ता इसे बीच में रख लेंगे। देखिए हमारा रायता रेडी हो गया है। आप इस तरह से रायता घर पे बनाइए और अपने फैमिली को सर्व कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।